अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल रशीद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम लोग इफ़ एल्स के अंदर दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, जिसके फर्स्ट के अंदर हम यूज़र दो वैल्यू को इंटर करेगा और चेक बताएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं, तो इसके लिए दो वैल्यू इंटर करनी है तो हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी आउट इंटर ए वैल्यू, इंटर ए वैल्यू। दोस्तों आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूं, जिस तरह मैंने अभी ये लिखा ना कि इंटर ए वैल्यू, ए वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे सीन और ए। दोस्तों दूसरा अगर बी की वैल्यू हम लोग चाहते हैं तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, सिंपल इसका मेथड है बी, इस तरह अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तब भी कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटर इंटर टू वैल्यू वैल्यूज़, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं F11 से। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो है हमसे वैल्यू मांगेगा, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पहले कौन सी वैल्यू इंटर करनी है। पहले हम लोग करेंगे 5, फिर हम लोग करेंगे इंटर 8। ये देखिएगा दोस्तों, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल मेथड है। बेहतर ये है कि आप लोग मेंशन कर दें ए, ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए इसके अंदर कि कौन सी किसकी वैल्यू है। सी आउट इंटर वैल इंटर बी वैल्यू, इंटर बी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा इंटर ए वैल्यू और यहाँ पर इंटर बी वैल्यू। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या लगानी है, कंडीशन। कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या लगाना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि जो ए और बी जो यूज़र वैल्यू दे रहा है क्या वो दोनों सेम है। तो फिर ए, तो दोस्तों आपको याद होगा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये दो मरतबा आता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, फिर सिंपली सी आउट में कर देंगे, यहाँ पे लिख दूँगा मैं इक्वल नंबर। तो जैसे ही मैंने इसे F11 किया तो इसी के साथ जो है हमारे पास सी इन, सॉरी यहाँ से एक एरर, सेमी कॉलम नहीं लगाया यहाँ पे। तो जैसे अभी एग्जीक्यूट होगा तो ये देखिएगा वैल्यू वो मांग रहा है ए, पहले ए की वैल्यू दी मैंने 5, बी की वैल्यू भी मैंने 5 कर दी, तो इसने कह दिया कि नंबर्स इक्वल। अब इसे डिफरेंट वैल्यू करके देखते हैं तो ये वैल्यू को स्किप कर देगा, जिस तरह हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर दिया और 5 कर दिया, ये देखिएगा इसने क्या कर दिया, ये 5 हमने प्रिंट किया और ये 8, इसने वैल्यू स्किप कर दी, मतलब कि ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग। अब दोस्तों दूसरा प्रोग्राम ये करना है कि हमने बताना है कि जो सेकंड जो है ना वो फर्स्ट का, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट का स्केयर है। ये देखिएगा कंडीशन दोस्तों यही रहेगी। अब हम लोग ने चेक करना है कि जो ए है, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बी के अंदर और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, सेकंड इज, यानी कि हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेकेंड की, अब लोग कर दें बी इज स्केयर ऑफ ए, यानी कि जो बी की वैल्यू होगी वो ए की स्केयर होगी। जैसे इसे एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्रिंट किया 25 और 5, इसने वैल्यू क्या कर दी, स्किप कर दी, जबकि हमने कहा कि जो सेकेंड वैल्यू है बी है वो फर्स्ट का स्केयर है। तो इसे एग्जीक्यूट दोबारा करें, तो जैसे ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग 5 कर दें फिर 25। अब ये देखिए उसने क्या कहा, बी इज़ स्केयर ऑफ ए, यानी कि ए का जो स्केयर है वो बी है, यानी कि 5 का स्केयर क्या होता है 25, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों आप किसके अंदर कुछ और भी वैल्यू डिफरेंस लिख सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं,
तो इसके अंदर कंडीशनल्स लगाए लगाते जाएं जो भी है वो चेंज करते जाएं वैल्यूज। सिंपल छोटे छोटे से प्रोग्राम है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियोस के बारे में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।